आज मैं आपको बताऊंगी कि इतने नरम मुलायम बिल्कुल रुमाल जैसे रुमाली रोटी जैसे थेपले आप मेथी के वो भी अचारी थेपले आप कितने आराम से बना सकते हैं। कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं चाहिए और घर में मौजूद जो सामान है उससे हम बड़े आराम से बना सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए मुट्ठी में कितने आराम से आ रहा है, इतना नरम मुलायम थेपला और खाने में भी उतना ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बना हुआ है। अगर कहीं सफ़र में जाना हो या टिफ़िन में रखना हो या सुबह नाश्ते के समय ये थेपले मिल जाएं तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, बस ये थेपले और चाय एक परफेक्ट नाश्ता हो जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, उससे पहले आप सब मेरे चैनल इजी एंड टेस्टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले थेपला बनाने के लिए हम एक बाउल के लगभग यानी ये 200 ग्राम के लगभग गेहूँ का आटा है और 100 ग्राम मैंने बेसन लिया है। एक चम्मच इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए या चिली फ्लेक्स। एक चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक डाला है। एक चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत ज़्यादा टेस्टी तो बनेंगे ही, साथ में इजीली डाइजेस्टिबल भी हो जाएंगे। अब 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाली है। हींग से बहुत अच्छा डाइजेशन तो आता ही है, साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनके तैयार होते हैं। एक चम्मच अदरक बारीक कुटा हुआ, एक चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। एक चम्मच ही इसके अंदर आधा चम्मच डाल सकते हैं वैसे, आधा चम्मच जीरा डाल दिया। सारी चीज़ों को आटे के साथ और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये थेपले बहुत नरम मुलायम बनते हैं और आप इन्हें एक हफ्ते तक भी आराम से रखकर खा सकते हैं। अगर कभी सफ़र में जाना हो ना तो ये थेपले ज़रूर लेकर जाइए, सबको पसंद आएंगे। अब साथ में अचार की ज़रूरत ही नहीं, मैंने इसमें 2-3 चम्मच आम के अचार का मसाला डाल दिया, तभी तो इसको हम अचारी थेपला कहेंगे। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाला है और 2-3 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। आप मेरे पास मैंने 250 ग्राम के लगभग मेथी ली थी और उसको अच्छे से पहले साफ़ करके डंडियाँ निकाल दी और उसको पहले धो लिया, उसके बाद सुखा के काट लिया था। अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 150 से 200 ग्राम के लगभग मेथी होगी आईडीए से। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत कम सामान लिया है तो ये हमें अलग से पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने केवल 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाला है और पानी हमें डालना भी कम है अगर थेपले आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखने हैं। बस इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना पड़ा और बाकी मेथी का नमक के साथ मिलके पानी थोड़ा रिलीज होता ही है। तो हमें इस डो को बनाने के लिए 2-3 चम्मच से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप चाहें अगर ताज़ा आपको खाने हैं तब तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप थेपले 2-4 दिन रखने की सोच रहे हैं तो आप इसे केवल दही और तेल से ही गूंदिए, बहुत अच्छे और खस्ता थेपले बनकर तैयार होंगे। अब हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के मैंने इस डो को अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के अंदर ये डो रेस्ट कर लेगा और एक ही, क्योंकि आज हमें मेथी के पराठे नहीं बनाने, राजस्थानी स्टाइल थेपले बनाने हैं, तो इसलिए इसके अंदर हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। वैसे आप चाहें तो इसके पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं थेपले की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही स्वाद थेपले बनकर तैयार हुए हैं। बस इस तरह से हम रोटी के जितनी लोई लेंगे, ज़्यादा बड़ी लोई हमें नहीं लेनी है क्योंकि हमें पराठे नहीं बनाने। मैंने एक साथ सारी जो लोइयां बना के तैयार कर ली, कम से कम 15 या 16 इतने सामान में थेपले बनकर तैयार होंगे। बस इस तरह से अब हम एक एक रोल लेंगे और उसको अच्छे से बिल्कुल पतला बेलना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि पराठे को थोड़ा मोटा बेला जाता है और जबकि थेपले को बिल्कुल पतला बेला जाता है। जितना पतला आप बेल सकें उतना ही नरम बनेगा और उतनी जल्दी सिक भी जाएगा। ये देखिए कितना पतला बना है, बिल्कुल मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रोटी से भी पतला थेपला जो है हमने बेल कर तैयार किया है और आप चिंता ना करें, ये बिल्कुल फटेगा नहीं। हाँ, किनारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें हमने मेथी डाली है तो हल्के से किनारे जो है वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले पराठे से भी, बिल्कुल रोटी जो घर में हम बनाते हैं उससे भी पतली थेपले बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से मैं 3-4 थेपले पहले अच्छे से सेक लेंगे, उसके बाद हम इनको जो है सेकने के लिए जाएंगे। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए, लाइट चली गई है और मेरे साथ तो मेरे घर में कोई एडजस्ट कर नहीं रहा, क्योंकि सबको नाश्ता करना है और सबको उस समय ये लगा रहता है कि अपनी वीडियो में लगे रहोगे तो हमारा तो नाश्ता लेट हो जाएगा। तो लाइट गई हुई है, इस वजह से जितनी लाइट है मैं उसी में एडजस्ट करके जो है वीडियो को कम्प्लीट कर रही हूँ, सॉरी इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। पर अगर वीडियो डालनी हो तो हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करनी भी ज़रूरी है। बस तवे को गर्म करेंगे, पहले एक साइड से सेक लेंगे और जब एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और बिल्कुल आधा चम्मच के लगभग ही ऑयल लगाना है। बहुत कम ऑयल में हम इन थेपलों को बना के तैयार करेंगे क्योंकि हमने इसमें अचार का मसाला भी डाला है, ऑयल भी डाला और दही भी, तो यह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे और एकदम नरम सॉफ्ट मुलायम थेपले हमारे बनकर तैयार होंगे। बस इसी तरह से
दोनों तरफ से हम सेकते जाएंगे और सारे थेपले तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा, फटाफट से ज़्यादा एक आपको थेपले को सेकने में 1 मिनट का ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत लो फ्लेम पे नहीं सेकना, बस मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और मैं भी लगातार कोशिश करती रहती हूँ कि नई से नई वीडियोज़ या अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, जो मेरी पसंद की रेसिपीज़ हैं। अगर आपको और कोई रेसिपी पसंद हो तो आप मुझे और रेसिपीज़ के बारे में बता सकते हैं, मैं वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। देखिए कितना नरम थेपला बनके तैयार हुआ है, इतना सॉफ्ट, बिल्कुल हथेली के अंदर कितनी मैंने ज़ोर से दबाया है उसके बावजूद भी ना तो ये टूटा है और पूरी मेरी हथेली के अंदर मुट्ठी में आराम से आ गया है। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे हम कल नई रेसिपी में। तब तक आप मेरी बाकी की वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, बाय। ये देखिए कितने सारे थेपले हमारे बनकर तैयार हुए हैं, और इनको अगर गाजर मूली के अचार के साथ खाया जाए, वैसे ज़रूरत नहीं है, अचार ही थेपले हैं, लेकिन फिर भी मेरे जैसे चटपटा और तीखा खाने वाले हो तो अचार के साथ सर्व कीजिए, क्या ही कहना। बाय।